हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप YouTube चैनल के लिए आप लोगो बना सकते हैं। YouTube चैनल के लिए लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है पिक्सल लैब। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड जाकर कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद जिस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ये न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका चैनल का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख कर डन कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लीजिएगा, जितना आप बड़ा चाहते हैं। और करने के बाद ये इसमें नीचे जाना है, ये फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बहुत सारा इसमें से फॉन्ट आ जाएगा, आपको ये वाला फॉन्ट ले लेना है ब्लॉगर, और ओके कर देना है इसको थोड़ा सा और बड़ा करके। और जाएंगे ये टेक्स्ट के ऑप्शन पे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद और ये एडिट पे ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे अपने चैनल का जो सेकेंड नेम में कैपिटल लेटर होगा उसका ले लेंगे, टर्न करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, और बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आके सेट कर देना है। और इसको भी वही वाला फॉन्ट यूज करना है, इसको भी वही वाला फॉन्ट कर लेता हूँ, करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से आप कुछ अपने हिसाब से इस यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेट करके। और इसको कलर देना है, कलर इसमें जाएंगे थोड़ा सा नीचे और ये कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और ये बहुत सारा कलर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। मैं रेड ही ले लेता हूँ, और रेड लेकर और इसको दूसरे वाले टेक्स्ट को यहाँ पे कलर ले लेना है, इसको पीला लेता हूँ और लेकर इसको सही के क्लिक पे कर देना है। और करने के बाद अब नीचे थोड़ा सा पूरा अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं, ना तो इसी तरह आप रहने दे सकते हैं। हम लिखना चाहते हैं पूरा नाम नीचे, इस टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाइएगा और एडिट के ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पे पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा और डन करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा छोटा करके आपको नीचे जाना है, उसका फॉन्ट भी इसका भी चेंज कर लेना है। आपको फॉन्ट ये वाला यूज करना है, मेमी फॉन्ट, इसको करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, और इसका भी कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कलर में जाइएगा और जो अपना अपने को कलर पसंद होगा वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। देने के बाद और फिर से आपका दूसरा जो चैनल का नाम है वो लिख लेना है, इसको भी कैपिटल लेटर में लिख के और डन के ऑप्शन पर ओके कर देना है, और इसको भी लिया कर यहाँ पे सेट कर देना है। और इसको भी आपको जाइएगा वही वाला फॉन्ट यूज कर लीजिएगा, यूज करके और इसको जाइएगा नीचे, इसको कलर देना है, एक कलर के ऑप्शन पे जाइएगा और इसको ब्लैक करके सही पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा हाईलाइट नहीं दिख रहा है, इसको हाईलाइट देखने के लिए आपको इसको थोड़ा सा नीचे आप जाना है और ये स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है, और इसको भी नीचे जाना है, स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है, और इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट दिखने लगेगा। इसको ब्लैक वाले को मत कीजिएगा, ना ती भद्दा दिखने लगेगा हाईलाइट कर देंगे तो। देखिए अब हाईलाइट दिखने लगा। अब इसको को यहाँ पे सर्कल लगाना है, तो ये प्लस के आइकन पे जाना है और ये फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाना। गैलरी के ऑप्शन में जाने के बाद जहाँ पे आप
PNG में रखे हैं टेम्पलेट, और उसको आपको ले लेना है। लेने के बाद आप सर्कल यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। सेट करने का इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से सेट करके और इसमें जाना है, ये बॉक्स वाले में, बॉक्स में जाना है और कलर के ऑप्शन में जाना है और इसको वाइट कर लेना है। वाइट करके इसको सेव कर देना है। और इसको सेव करने के लिए आपको थ्री डॉट पे जाना है और एक्सपोर्ट इमेज पे जाना है। और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट होगा, इसको अल्ट्रा कर लेना है। इसको अल्ट्रा करके और ये सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है आपका।